द सोप्रेनोस। तो व्हाट्स अप बडीज, अगर आप लोगों ने गॉड फादर और गुड फैदर जैसी मूवीज़ देखी हो और आप लोगों को गैंगस्टर माफिया टाइप मूवीज़ देखने का या टीवी सीरीज़ देखने का शौक है, तो इस वीडियो में मैं एक ऐसी सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। यस, किसी भी सूरत में मिस नहीं करनी चाहिए। एंड दिस सीरीज़ नेम इज़ द सोप्रेनोस। तो इस वाली वीडियो में मैं इसी मास्टरपीस सीरीज़ के बारे में बात करूँगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि इस सीरीज़ को अच्छा बनाती है। तो पूरा रिव्यू देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस सीरीज की स्टोरी पर आ जाते हैं। तो इसकी स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हमें एक टोनी सोप्रानो नाम एक आदमी दिखाया जाता है, बेसिकली जो कि एक माफिया क्राइम ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका हेड होता है। तो हमें ये दिखाया गया कि कैसे जो क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको मैनेज करता है, यहाँ पर जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे बिजनेस करती है, किन किन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो टोनी सोप्रानो की अपनी पर्सनल फैमिली होती है उसके भी हमें स्ट्रगल्स दिखाए गए कि कैसे यहाँ पर उसको इन चीज़ों के भी स्ट्रगल करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली ये दिखाया गया कि कैसे टोनी सोप्रानो आदमी इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलता है और इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। अब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो कि इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है। सबसे नंबर वन, प्लॉट ड्रिवन स्टोरी। यस, और यस इसकी स्टोरी वन ऑफ द मेन रीज़न है जो कि ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लॉट ड्रिवन हमें स्टोरी देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी दिखाई गई है। अगेन एज आई सेड, यहाँ पर जो माफिया गैंगस्टर टाइप चीज़ें होती है ये ऑडियंस को वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऊपर से हमें इतनी ग्रेट स्टोरी दिखाई गई कि कैसे यहाँ पर टोनी सोप्रानो अपने माफिया बिजनेस को रन करता है, कितने इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितने इसको स्ट्रगल्स करने। और जो एक और चीज मुझे अच्छी लगी, आप लोग भी जब इसके शुरू के एपिसोड्स देख लेंगे या थोड़े से एपिसोड्स देख लेंगे, आप लोग भी ये वाली चीज रियलाइज करेंगे कि हमें इसके जो एपिसोड है वो सोलो स्टोरी एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हमें ऐसी फील आती है कि जो एक एपिसोड है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एपिसोड है, वो एपिसोड जब स्टार्ट होता है और जो उसकी स्टोरी है वो एपिसोड के एंड तक उसी की स्टोरी उसी एपिसोड में कंप्लीट हो जाती है, मगर वो पूरे सीरीज और पूरे सीजन में अपना इंपैक्ट छोड़ जाती है। ये भी मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी चीज लगी कि यहाँ पर इसकी जो ओवरऑल स्टोरी है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। यस, काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सीरीज, और ये भी इस वाली सीरीज को काफी ज्यादा अलग बनाती है। आप लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम इसमें क्या देखने को मिल सकता है। मतलब एक एपिसोड में आप देख रहे होंगे अच्छा यार ये स्टोरी सही जा रही है, दूसरे एपिसोड में वो वाली स्टोरी किसी और से लिंक हो जाएगी। तो हमें जो ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखाई है वो भी इस वाली सीरीज को काफी ज्यादा अच्छा बनाती है। हमें जो शॉकिंग चीजें देखने को मिली है, शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिली, शॉकिंग डेथ देखने को मिली है विच आई विल नॉट स्पॉइल, तो ये जो सारे एलिमेंट्स है वो इस वाली चीज को अच्छा बनाते हैं। तीसरी चीज पर आ जाते हैं, वो है इंटेंस एंड इमोशनल सीन्स। यस, हमें काफी ज्यादा इंटेंस सीन्स देखने को मिले, स्पेशली हमें यहाँ पर जो किलिंग वाले सीन्स देखने को मिले उसको वो काफी ज्यादा इंटेंस बनाते हैं। इंटेंस से मेरा बोला, कोई भी जब ऐसा सीन आता है कि कोई भी आदमी मरने वाला होता है या एक किलर उसको मारने जा रहा होता है, तो उससे पहले ये लोग ऐसा जो है ना माहौल डिवेल्प कर लेते हैं, ऐसे हमें सीन्स दिखाते हैं जिसे आप लोगों को ऐसा ऑडियंस खुद ही रियलाइज हो जाएगा नहीं भाई नहीं कुछ तो होने वाला है, कुछ तो दाल में काला है। तो अगेन हमें इतने ज्यादा जो इंटेंस सीक्वेंस देखने को मिले वो भी इस वाले सीरीज में जान डाल देते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं टोनी सोप्रानो के कैरेक्टर पे, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है, जब आप इसको पहले एपिसोड में देखेंगे आप कहेंगे हैं मतलब ये क्या, ये तो आराम से कोई फैमिली गाय टाइप लग रहा है, ये यहाँ पर माफिया का बॉस कैसे हो सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा। मगर जब हम इसकी दूसरी साइड देखने को मिलती है, इसकी माफिया विलन टाइप साइड देखने को मिलती है, आप लोग भी कहेंगे नहीं भाई नहीं इससे पंगा नहीं लेना, क्योंकि अगर इससे पंगा ले लिया तो फिर उसका जो इंजाम है वो काफी ज्यादा बदतर हो सकता है। ये जो हमें कैरेक्टर दिखाया गया ये इस सीरीज की सबसे मेन वजह कि लोग इस सीरीज को पसंद करते हैं। यहाँ पर हमें जो टोनी सोप्रानो का कैरेक्टर दिखाया गया, जिस तरह से उसको इन लोगों ने डिवेलप किया सीजन वन से सीजन सिक्स तक, मतलब ये एक ऐसा आदमी है जो कि बिजनेस से ऊपर कुछ भी नहीं लेने देगा, मतलब अपने दोस्तों को भी इसको कुछ ठिकाने लगाना है वो भी कर देगा, मतलब अपने बिजनेस से ऊपर किसी को भी नहीं आने देगा, बिजनेस कम फर्स्ट, लेजिटिमेट बिजनेस कम फर्स्ट, ये यहाँ पर इसका मेन मुद्दा है। और आप लोग भी जब सीरीज देखेंगे आप लोग भी इस कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। और कैरेक्टर्स की बात हो रही है, यहाँ पर कैरेक्टर डिवेलपमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। हर कैरेक्टर की जितनी भी कैरेक्टर डेवलपमेंट है काफी ज्यादा अच्छी है, हमें काफी ज्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिले द सोप्रानो सीरीज में। और पर्सनली अगर मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अंकल जूनियर का जो कैरेक्टर था और दूसरा यहाँ पर जो पॉली का कैरेक्टर था, ये यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अच्छे और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लगे। कैरेक्टर डिवेलपमेंट हर कैरेक्टर की अच्छी थी, हर कैरेक्टर को इन लोगों ने प्रॉपर स्क्रीन टाइम भी दिया और हर कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से कोई ना कोई स्टोरी दिखाने की कोशिश की है। अब अगेन ये तो हम सबको पता है, जब भी हम कोई सीरीज देखते हैं वो अच्छी तभी लगती है जब असल में जो स्टोरी है वो वाली फीलिंग है। और यहाँ पर इस
किसकी है, किसके ऊपर बेस है, माफिया के ऊपर, गैंगस्टर, ये वाली फीलिंग पे। और ये भी सीरीज की काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि हम हर एपिसोड में यहाँ पर माफिया वाली वाइब फील कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इनके करेक्टर्स, यहाँ पर जो इन्होंने करेक्टर्स को जिस तरह से दिखाया कि अगेन वो हर सीन में कोई ना कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, स्मोक कर रहा है, यहाँ पर दे आर मेकिंग आउट। तो यहाँ पर ये जो करेक्टर्स इन लोगों ने सीन दिखाए हैं ये माफिया वाले, मतलब एक्चुअल में लगता है जो टोनी सोप्रानो, आप उसको हर सीन में देखेंगे ना, बेशक चाहे वो अपनी साइकेट्रिस्ट के साथ क्यों ना, वो उसमें जो माफिया वाला फील है ना वो हर सीन में हमें देखने को मिलेगा। तो ये इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है कि जितना ज़्यादा माफिया गैंगस्टर वाला वाइब हर करेक्टर से वो लोग ले सकते थे, इन्होंने यहाँ पर उससे लिया है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो है एक्टिंग। व्हाट अ सुपर्ब एक्टिंग। और एक्टिंग में सबसे पहले नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा लेट जेम्स गैंडोल्फिनी का, क्या खूबसूरत ब्यूटीफुल उन्होंने एक्टिंग की। और जब आप लोग देखेंगे आप लोगों के भी जेहन में वाली चीज़ आएगी कि ऐसा लगता है कि इन्होंने यहाँ पर एक्टिंग नहीं की, असल में रियल लाइफ में बस ऐसी दो करेक्टर्स के दरमियान कन्वर्जेशन हो रही है। क्या ब्यूटीफुल इन्होंने यहाँ पर एक्टिंग की, सुपर्ब एक्टिंग की है यहाँ पर जेम्स भाई साहब ने। जिस तरह से इन्होंने टोनी सोप्रानो का करेक्टर प्ले किया है यहाँ पर, एक तरह से उन्होंने दो करेक्टर्स प्ले किए, एक जब वो माफिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं कैसे बिजनेस कर रहे होते हैं बंदों को मारना, और दूसरे यहाँ पर जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं थोड़े से कैसे शरीफ टाइप बन जाते हैं। तो क्या उन्होंने ब्यूटीफुल एक्टिंग की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी यहाँ पर कास्ट थी, चाहे वो जो भी यहाँ पर एक्टर हो, सब ने काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्टिंग की। हर एक्टर अपने करेक्टर पर सूट भी करता है, सब ने अमेजिंग एक्टिंग की। और यहाँ पर एक्टिंग भी वन ऑफ द मेन रीज़न है जिस वजह से द सोप्रानोज टीवी शो समझा जाता है। अब मैं फाइनल वर्डिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। द सोप्रानोज इज मस्ट वॉच टीवी सीरीज, आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए, विद एक्सीलेंट स्टोरी लाइन, ग्रेट कैरेक्टर्स एंड ब्यूटीफुल थीम। काफी ज्यादा अमेजिंग सीरीज थी। आप लोगों को अगर रियल माफिया टाइप गैंगस्टर टाइप कोई सीरीज देखनी है जिसमें मारना भी हो, सब चीजें इंक्लूड हो, तो आप लोगों को इससे बेहतर कोई सीरीज मे भी ना मिले, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। तो बस ओवरऑल वीडियो में यही था, आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप लोगों ने भी द सोप्रानोज देखी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।